नरवर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुरी जिले में स्थित एक नगर है। यह इसी नाम की तहसील का मुख्यालय भी है। यह काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ एक ऐतिहासिक नगर है, जो प्राचीन काल में राजा नल की राजधानी हुआ करती थी। तो आज मैं आपको ले चल रहा हूँ उसी नरवर के दुर्ग में, जो कभी राजा नल की राजधानी हुआ करता था। राजा नल यहाँ पे राज करते थे। तो चलिए चलते हैं नरवर फोर्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, पहुंच चुके हैं हम नरवर, और पीछे आप देख रहे होंगे यही है नरवर का फोर्ट, और पूरा मैं आपको दिखाऊंगा और यहाँ की हिस्ट्री बताऊंगा। साथ में दीपक भाई भी है अपनी टीम के मेंबर। हे गाइस, तो चलिए चलते हैं और घूमते हैं नरवर का किला। यहाँ पे भाई हमें मिल गए थे, तो वही हमें घुमाएंगे और यहाँ की हिस्ट्री वगैरह बताएंगे। इतिहास के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण 10वीं शताब्दी में कछवाहा राजपूतों ने कराया था, और यहाँ पे कई शासक आए और उन्होंने राज किया। ये पूरा रहा नरवर नीचे बसा हुआ, और ऊपर है ये फोर्ट। ये जो किला है ये महाभारत कालीन किला है। इसको कछवा जो राजवंश कछवा राजपूत थे उन्होंने बनवाया था। और ये देखिए, ये है सीढ़ी, और ये दरवाज़ा है जो इसको कहते हैं पिसनहारी दरवाज़ा, वो इसके बारे में लिखा हुआ भी है। अल सुबह चक्की पीसने वालों की आवाज़ के पूर्व यह द्वार खुल जाता था, इसलिए इस द्वार का नाम पिसनहारी दरवाज़ा पड़ गया। औरंगजेब ने इसके मूल स्वरूप को तोड़कर मुगल शैली में पुनर्निर्माण कराया, इसलिए इसे आलमगीर दरवाज़ा भी कहते हैं। बट इसको जो है पिसनहारी दरवाज़ा कहते हैं, क्योंकि जब चक्की चलती थी तो उस चक्की के चलने की आवाज़ से ये खुलता था। और 1610 ईस्वी में जो है जब अंग्रेज यहाँ आ गए, तो उन्होंने जो है इस के ऊपर किताब वगैरह लिखी है, तो उसका उल्लेख किया है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर। ये देखिए, पूरा पत्थरों से बना हुआ है ये। ये हम आ गए हैं दरवाजे के अंदर, और वो देख रहे हो वो गई है सीढ़ी वो ऊपर तक। अब चलो चलते हैं ऊपर और देखते हैं और इसका क्या इतिहास है। लगभग कितनी सीढ़ी होंगी भाई साहब यहाँ पे हैं, मिल गए थे 365 सीढ़ी है यहाँ से। यहाँ से 365 है, और उस तरफ से कितनी होगी? उस तरफ से तो 50-60 सीढ़ी है। अच्छा, लेकिन ऊंचा ज़्यादा है उधर। चलो हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं ऊपर। लगभग 500 फीट ऊपर बना है ये पहाड़ पे। ये देखो, ये दिख रहा है खूबसूरत नज़ारा नरवर सिटी का। अब हम चलते हैं ऊपर। गाइस, अगर आप नरवर किला घूमने आ रहे हैं तो पानी साथ में लेके आएं, ऊंचाई ज़्यादा है और पानी आपको ऊपर मिलेगा मंदिर पे, उसके पहले आपको पानी नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये जो किला आप देख रहे हैं, इस किले पर सिकंदर लोदी ने भी राज किया है, और सिकंदर लोदी के बाद यहाँ पे मुगल साम्राज्य आया। मुगलों ने यहाँ पे राज किया और किले को अपने शैली के अनुसार परिवर्तित किया।
ये आप देख रहे हो मूर्ति बनी हुई है। ये जब यहाँ मुगल शासन आया औरंगजेब का, तब ये मूर्तियों को तोड़ा गया, खंडित करी गई थी। पहले ये सही होगी, अब हम चढ़ रहे हैं ऊपर। ये आप सामने देख रहे हैं, यह है पीरन पौर सैयदों का दरवाजा। इस दरवाजे के सामने सैयदों की कब्र है। यहाँ लगे शिलालेख के अनुसार यह कब्र शेर शाह सूरी के दुर्गपाल दिलावर खान की है। वो आपको आगे दिखाता हूँ मैं कि कब्र कहाँ बनी हुई है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और इसी जो नरवर के किले के हैं, कई सारे आपको वीडियो देखने को मिलेंगे, क्योंकि छोटा सा किला नहीं है, ये बहुत बड़ा है और ना ही एक दिन में घूमा जा सकता है। बट मैं आपको मुख महल दिखाऊंगा, तो अलग अलग पार्ट्स में ब्लॉग्स में आपको ये देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना पाता हूँ आपके लिए। तो चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको सैयदों की कब्र। तो चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको सैयदों की कब्र। ये देखिए, ये जो है ये है कब्र सैयदों की। और ये क्या है इधर, ये बाउंड्री है। और ये रही पीर बाबा सैयदों की कब्र। अब चलिए चलते हैं आगे। आज हमने यहीं भाई यहीं के हैं, रहते हैं यहीं पे, तो इन्हें पकड़ा है, ये बताएंगे यहाँ के बारे में। किला बहुत बड़ा है, इतनी नॉलेज तो लेना मुश्किल है। ये कौन सा दरवाजा है, दरवाजे का नाम 5 है। ये आप देख रहे हैं, ये सामने खिड़कियाँ सी दिख रही हैं। यहाँ पे द्वारपाल खड़े रहते थे निशानेबाज। और ये तो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, जब यहाँ से राजा आते होंगे तो उनका फूलों से स्वागत किया जाता होगा, ये मेरा अनुमान है। ये देखिए बहुत ही प्यारे ढंग से बनाया गया। ये पत्थर की सपोर्ट से छत डली हुई है, पत्थर को काट काट के देख सकते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है, यहीं से फूलों की बारिश होती होगी। और अब चलेंगे और आगे। अब हम चल रहे हैं और ऊपर। ये देखिए अब आया है हवा पौर। ये देखिए इस द्वार को जो है हवा पौर कहा जाता है, क्योंकि इस दरवाजे में हर ऋतु में शीतल हवा आती है। इसका नाम हवा पौर। और ये देख सकते हैं, ये रहा हवा पौर, ये मुख्य दरवाजा इसको कहते हैं। और यहाँ पे हर मौसम में ठंडी हवा आती रहती है, और इसके बारे में लिखा हुआ भी है, आप पढ़ सकते हैं।
और ये वही पुराना गेट है। ये बड़ी बड़ी कीलें लगी हैं, जब इसको तोड़ा जाता होगा जैसे हाथी वगैरह तोड़ रहे हैं तो यही कीलें बचाती थी टूटने से। ये देखो ऊपर से फूलों की बारिश करने के लिए लोग बैठे रहते होंगे वहाँ, वो देख रहे हो, यहाँ से जीना गया है चढ़ने के लिए और इस तरफ से भी गया है। ये जो पत्थर है, पत्थरों को काट के छत डाली गई थी, 20-20 फुट के पटिए लगे हुए पूरे। ये देखो मेहरावदार जो है ये बने हैं, कितने प्यारे बने हुए। तो गाइज अभी मैं ले चलता हूँ आपको ऊपर, जहाँ पे डाकू हसीना के एक गाने की शूटिंग हुई थी, नगर नगर ताज़ा खबर। ये देखिए तो यहीं पे 7 दिनों में जो है शूटिंग पूरी हुई थी यहाँ की, तो आपको दिखाता हूँ मैं कि कहाँ शूटिंग हुई थी उसकी गाने की। अभी हम ऊपर जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे शूटिंग हुई थी। ये देखिए ये जो है ये बाउंड्री, यहीं पे शूट हुई थी वो नगर नगर ताज़ा खबर। ये जो बाउंड्री है ये पूरी इसी पे गाना शूट हुआ था वो नगर नगर ताज़ा खबर है। वही गाना है ना डाकू हसीना का, तो देख सकते हो भाई कब का बना हुआ है ये मंदिर, और यहाँ पे काफ़ी ऊंचाई है। आपको एक बार दिखाता हूँ मैं, सामने दरवाजा दिख रहा है हवा पौर। चलें अब चलते हैं आगे और आगे आपको दिखाते हैं और भी। ऊपर विष्णु भगवान का एक मंदिर छोटा सा बना हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया था। ये देखिए एक छोटा सा मंदिर यहाँ बना हुआ है, आगे आपको दिखाते हैं और भी। ऊपर विष्णु भगवान का एक मंदिर छोटा सा बना हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया था। ये देखिए एक छोटा सा मंदिर यहाँ बना हुआ है, नरसिंह देव रूप का मंदिर था ये है, नरसिंह देव रूप का मंदिर की एक चीज के जो फाड़ दिए आपने। अच्छा 20 दरवाजे थे। ये देखिए एक छोटा सा ये मंदिर बना हुआ है और ये कुछ लिखा हुआ है, संभवतः समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है। अभी हम ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं किले के अंदर। गाइज ये किला जो है 36 किलोमीटर के हेरफेर में फैला हुआ है और अंदर ही मीना बाजार भी लगता था, वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम चलेंगे, ये छोटा सा दरवाज़ा बना हुआ है हवा पौर के ऊपर, तो अभी मैं यहीं से अंदर जाऊँगा और दिखाता हूँ आपको। दीपक भाई भी अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं यहाँ और हम चल रहे हैं अब ऊपर, थोड़ा झुक के जाना पड़ेगा, ये रास्ता थोड़ा सकरा है। ये अभी हम और ऊपर जा रहे हवा पौर के ऊपर। इधर आ जाओ इधर, ये आ गए हम हवा पौर के ऊपर। ये जो बने हैं ये
ये पॉइंट्स थे गन पॉइंट्स बंदूक की मार के लिए। ये देखो अभी हम वही जगह दिखाएंगे जहाँ पे उदल को कैद किया था रानी फलवा ने। फलवा ही ने तो करा था कैद। इसी में फलवा को कैद किया गया, उसको उदल को कैद किया था रानी फलवा ने जब वो मिलने आए थे यहाँ। खुलेआम किले में इजहार कर दिया था प्यार का। तो लगी थी जंजीर द्वारा ऐसी। ये जो है ये खम्भे लगे हैं, दो ये झूले के खम्भे हैं, इस पर पटिया रखा होगा और जंजीर से मतलब पटिया बंधा होगा, तो ये झूला झूलने के लिए था। बहुत से हैं, हाँ बहुत से हैं झूले। चलो अब आ चुके हैं हम ऊपर, आ जाओ आ जाओ साथ में रहो भाई जाओ भूल जाओ भाई। ये मस्जिद है। अच्छा ये पुरानी मस्जिद हुआ करती थी। ये देखिए लिखे हुए हैं उर्दू में पूरे वहाँ तक। तो जब यहाँ पे मुगलों का शासन हुआ होगा तब ये जो है लिखाई लिखी होगी, तो ये बनाया होगा यहाँ पे मस्जिद को। यहाँ जब दरवाजे से आप आएंगे तो मुख्य दरवाजे के सामने ही आपको वो जामा मस्जिद बनी दिखेगी उस समय की जब मुगलों का शासन हो गया था यहाँ तब। और ये जानकारी लिखी है एरो बने हुए हैं किला नरवर परिसर में स्थित स्मारक। तो इस साइड की जो हैं वो चीप महल और ये बलदाऊ बंगला, चक्की महल, कचहरी महल, सिकंदर लोदी की मस्जिद, रामजान की मंदिर, मीना बाजार, आठ कुआ, नौ बाबड़ी, ये इस तरफ है। इस तरफ आपको मिलेगा ये एक मस्जिद बनी हुई है, वो मिटा दिया पता नहीं किसने, कोरियों की हवेली। ये सामने दिख रही है, ये सामने ये कोरियों की हवेली है। और जेल भवन मनसा देवी मंदिर है, और ये मनसा देवी मंदिर और पसर देवी मंदिर, आला उदल अखाड़ा, आला उदल अखाड़ा और उर्वाई दरवाजा गौमुख, ये जानकारी कुछ लिखी हुई है और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और ये फुटपाथ टू कचहरी महल, कचहरी महल जाने के लिए रास्ता ये है। तो अभी हम चल रहे हैं कचहरी महल और वहीं पे फलवा महल भी है जहाँ पे सबसे पहले चीप महल आ गया है। चीप महल तो ये किसका था? ये चंदन घिसके तिलक किया जाता था यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये चीप महल है गाइस और यहाँ पे चंदन घिसके तिलक किया जाता होगा जब राजा वगैरह जो है जाते होंगे युद्ध पे, है रोज तिलक होता था। अच्छा अच्छा, ये देख सकते हैं सब महाभारत कालीन बना हुआ है, तो पुराना उस हिसाब से बना है। अभी जो मैंने कई वीडियो आपको डाले हैं जो किले अभी 400-500 हाँ 400-500 वर्ष पूर्व बने थे, बट ये जो है ना ये पूरा पत्थर का बना हुआ है। और ये समझ लो कि जब महाभारत युग में महाभारत काल में इसका उल्लेख है राजा नल का, ये राजा नल का महल हुआ करता था, पूरा ये किला हुआ करता था। और ये चीप महल है और देखो किस तरह से पत्थर को काट काट के ये बनाई गई है कलाकृति, तो देख के मजा ही आ जाता है यार। अभी हम चल रहे हैं और ऊपर। ये देखिए इसमें जो है क्या चंदन घिसा जाता था, चंदन घिसा जाता था इसमें, तब जो है पूरी जनता को चंदन लगाया जाता था राजा की प्रजा को। ये देखिए वाह, इसको कहते हैं चीप महल। समझ नहीं आ रहा मैं कौन कौन सी आपको
वीडियो कैसे इसकी दिखाऊं मैं आपको, कैसे ब्लॉग दिखाऊं, क्योंकि बहुत बड़ा है किला, 36 किलोमीटर के हेर फेर फैला हुआ है और अलग अलग महल बने हुए हैं सबके। और यहीं पे मीना बाजार भी लगता था, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो है मोती हीरे वगैरह और भी कई आइटम जो है बेचे जाते थे। ये देखो किस प्रकार बना हुआ है, ये देखो किस तरह से कलाकृति काटी गई होगी, कैसे नक्काशी करी गई होगी, ये देख सकते हैं आप। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ गाइस, अगर यहाँ घूमने आते हैं तो प्लीज़ ये सब मत लिखा करिए, क्योंकि ये हमारी प्राचीन धरोहर है और ये सब लिखना तो क्या दर्शाता है। ये देखो नीचे भी खोद खोद के लिख रखा है, तो यार कृपया करके ऐसा ना लिखें और अपनी धरोहर को बचाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। अभी कहाँ आ गए? लदाऊ बंगला। अब हम पहुंच गए हैं लदाऊ बंगला। ये किसका था? ये कोई बैठक थी। अच्छा, अभी हम हैं लदाऊ बंगला में और जो फिल्म की शूटिंग हुई थी डाकू हसीना, तो रजनीकांत कहाँ से कूदा था मैं आपको दिखाता हूँ। वो सामने देख रहे हो आप, वो सामने, वहीं से रजनीकांत कूदे थे यहीं पे। और ये जो सामने देख रहे हैं ये है बारादरी, तब उस जमाने में ये बैठक हुआ करती थी। इसको क्या बोलते हैं? लदाऊ बंगला। ये देख रहे हो गाइस, अब हम दिखाते हैं आपको ओल्ड फ्लोर मिल, मतलब आटा चक्की, उस समय में कैसे जो है आटा पीसते होंगे वो दिखा रहा हूँ। और ये जो शूटिंग हुई थी रजनीकांत की, दो मंजिला ऊपर से रजनीकांत कूदा था भाई। ये देख लो, अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। ये देखो हम आ चुके हैं यहाँ, यहाँ भी दो पिलर लगे हुए हैं झूले के लिए होंगे। इसको क्या कहते हैं? ओल्ड चक्की जो है, चक्की मेल है, यहाँ पे आटा पिसता था। और ये रही वो जगह, ये देखो अब कितने लोगों का आटा पीसते होंगे इसमें, पूरी जनता के लिए। ये समझ लो पूरी जनता के लिए कैसे पिसता होगा। अच्छा, पूरा चारों तरफ गोल गोल घूम के चलता होगा। कितने लोग चलाते होंगे लगभग? अच्छा, हाँ बैल या पड़ा, पड़ा जानते होंगे, भैंस, भैंसा वो जो है वो चलाता था इसको, इसी में आटा पिसता था, ये समझ लो। कितना बड़ा पार्ट इसमें रखा होगा भाई, ये तो बहुत छोटा दिख रहा है। अच्छा ये पार्ट था, ये देख रहे हो ये पार्ट था, ये पटिए थे वो बीच में ये रखा था, तो पिसता होगा यहीं पे। अच्छा, यहाँ से निकालने के लिए, आटा निकालने के लिए रास्ता बनी हुई थी। और देख लो इस तरह से चक्की बनी हुई थी, ये पूरा जो है एरिया खाद्यान्न वाला था, यहीं से आटा वगैरह सप्लाई होता था पूरे महल में। ये देखो पानी की निकास के लिए भी यहाँ पे ड्रेनेज बनाया गया है। ये एक यहाँ पे चबूतरा बना हुआ है, तो आई थिंक यहाँ पे कोई प्रोग्राम वगैरह होता होगा और ऊपर से जो है बैठक बनी हुई है बैठने के लिए वहाँ पे ऊपर, या फिर। और ये देखो वहाँ पे बैठते होंगे रानी वगैरह। तो चलो चलते हैं, बहुत बड़ा किला है। अब जितना मुझे नॉलेज मिल रही है वो मैं आपको बताता जाऊँगा। और ये देख लो इंटरेस्टिंग, देख रेख अगर सही होती तो ये सेफ रहता, अब तो खंडर में तब्दील होता रहा है, ये होता जा रहा है।
अभी हम चल रहे हैं किस में? फुलवा महल में। फुलवा के नाम से आपको याद आता होगा उधल और फुलवा का प्रेम। उनका प्रेम परवान चढ़ा था। जब यहाँ पे उधल आए हुए थे तो उनने फुलवा को देखा था तो मोहित हो गए थे और उनसे मिलने के लिए आए थे वे फूलवाली का वेश बना के, क्योंकि रोज उन्हें फुलवा को फूलों से तौला जाता था तो इसलिए जो है माला वगैरह बनाने आती थी, माला देने आती थी, तो जो है उसका भेष बना के किले के अंदर आए थे उधल। और ऐसी गली बनी हुई हैं पूरा ये ऐसा लगता है कि जैसे किसी गांव में आ गए हों, बट ये गांव नहीं है गाइस। अगर आप आएँ तो किसी को ले लें साथ में जो यहाँ के बारे में जानता हो, क्योंकि महल बहुत बड़ा है, ये पूरा किला बहुत बड़ा है, कई महल हैं इसमें। और आपको सीधे नहीं जाना है फुलवा महल के लिए, पहला दरवाज़ा मिलेगा तो इसमें आपको एंट्री करनी है। ये देख रहे हैं ये है ये फुलवा महल। ये जो आप चौकोर जगह देख रहे हैं पत्थर लगे हुए, यहाँ पे पत्थर नहीं थे, यहाँ पे बगिया लगी थी फूलों की। और यहाँ पे तराजू एक रखी गई थी जो रोज रानी फुलवा जब आती थी तो उनको फूलों से तौला जाता था। ये जो है ये बाथ टब है फुलवा रानी का, यहीं पे नहाया करती होंगी वो। उन निकास कहाँ से होगा पानी का? अच्छा नहीं, पानी का निकास, पानी कहाँ जाता होगा? अच्छा, तो इसी में जो है फुलवा रानी नहाती थी। और जब नहा के सीधी यहाँ पे जो है सामने देख रहे हो बैठक बनी है, मेहरावदार जो बना हुआ है ये टाइप का, वहीं पे बैठती थी। और यहाँ बीच में तराजू लगी हुई थी बीच चबूतरे पे, तो यहीं पे फुलवा रानी को तौला जाता था। तो यार पुराना इतिहास जान के बड़ा ही अच्छा लगता है और गर्व होता है कि हमारे जो है देश में ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं, आला उदल जैसे, मल खान जैसे। आला तो सुनते ही होंगे, बरसात के सीजन में बहुत सुनी जाती है आला, वैसे भी सुनी जाती है। तो ये महाभारत कालीन है, पूरा किला है, लेकिन यहाँ कई राजाओं ने शासन किया। अब ढोला मारू की भी प्रेम कहानी जो है वो भी बहुत प्रसिद्ध है गाइस। ये वही जगह है जहाँ पे उधल ने फूलवाली बन के आई थी उधल, और उन्होंने फुलवा को देखा था, लेकिन फुलवा पहचान गई थी उन्हें। और उन अपने भाई से बचाने के लिए जो है उन्होंने उधल को कैद कर लिया था, मतलब छुपा दिया था। वो मैंने पहले दिखा चुका हूँ जगह जहाँ पे वो छुपे थे उधल, यहाँ से जीत के ले गए थे वो फुलवा को। ये देखो यहीं आए थे फूलवाली बन के, वो यहीं पे तौला जाता था फूलों। अभी हम चल रहे हैं फुलवा के महल में जहाँ पे वो रहती थी। ये देखो एक दरवाज़ा आ चुका है, और ये देखो किस तरह से काट काट के बनाया गया था ये। ये फूल देख रहे हो, ये पत्थर पे उकेरा गया है, उसके बाद ये चिपकाया गया है किस तरह से। अभी जो है पीओपी के बनते हैं, लेकिन ये तो पत्थर का ही बना हुआ है फूल। ये गेट है, ये देखो यहाँ पे गमला रखा हुआ था, ये गमला का स्टैंड है, यहाँ तुलसी की पूजा करती थी रानी फुलवा। और अभी हम आ चुके हैं फुलवा रानी की बैठक में, यहाँ बैठती थी वो देने के लिए होगा वो। अच्छा, पेड़ों में एक ये बना हुआ है बाथिंग टब, वो शायद फूलों को पानी देने के लिए या फुब्बारा रहा होगा। ये बाथ टब है, यहाँ पे नहाती होंगी फुलवा रानी। और ये देख रहे हो चार पिलर लगे हुए, ऊपर इसके छत लगी थी, और ये पूरा जो कवर था, पूरा आसमान दिख रहा है आपको, ये पूरा बंद था। ये टूटने के बाद इसका पुनर्निर्माण कराया गया तो ये खोल दिया गया, पूरा ओपन कर दिया गया, लेकिन यहाँ छांव डली होगी या फिर कुछ होगा वैसा कि छांव टाइप की हो। और यहाँ पे उनकी
बैठक रही होगी, यहाँ पे बैठती थी पलवारानी। ये देख लो पिलर, कितने बड़े पिलर, कितना बड़ा पत्थर काट के बनाया गया होगा, वो बिल्कुल गोल बना हुआ है। मुगदल जानते हैं, मुगदल उस तरह से बनाया गया है। तो अभी हम चल रहे हैं जादूगरनी, जो महान जादूगरनी थी गजमोतिन। तो ये वाला भाग जो है गाइस, अभी मैंने आपको दिखाया फुलवा रानी का महल, तो अगले पार्ट में मैं आपको ले चलूँगा गजमोतिन, जो जादूगरनी थी, महान जादूगरनी गजमोतिन, उसका महल दिखाऊंगा और कचहरी महल दिखाऊंगा। तो ये वाला पार्ट जो है यहीं तक, और आगे के लिए आप स्टे ट्यून, और आगे के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, तभी इसका इतिहास जान पाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे।